नमस्कार और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक नगरों की श्रेणी में हिसार शहर, शाही दुर्ग फिरोजा का कहते जिसे हिसार, गलथक था मरुस्थल आज हरियाणा का शेका। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिसार नगर की, जो इस बात पर गर्व करता है कि प्राचीन काल से ही शौर्य, राष्ट्र प्रेम, बलिदान और देश पर मर मिटने की उच्च परंपराएं यहाँ से रही है। खाद्यान्न के क्षेत्र से लेकर के आज पराक्रम और शौर्य के अनेक कीर्तिमान स्थापित करने वाला शहर है हिसार। आपको बता दें कि फिरोज शाह तुगलक ने सन 1354 में हिसार नगर की स्थापना की थी। उसने इस नए नगर में हिसार ए फिरोजा के महलों, मस्जिदों और बगीचों तथा नहरों और अन्य इमारतों से सजाया था। हिसार एक फारसी शब्द है, इसका अर्थ होता है किला या फिर घेरा। सन 1354 में दिल्ली से सुल्तान फिरोज शाह ने यहाँ पर किले का निर्माण कार्य शुरू करवाया। उसका नाम हिसार ए फिरोजा रखा गया, यानी फिरोजा का हिसार। अब समय के थपेड़ों और यात्रा में केवल हिसार शब्द रह गया। हिसार का नाम आज देश के प्रमुख शहरों में शुमार किया जाता है। यह भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 9 पर दिल्ली से 164 किलोमीटर की दूरी पर है। हिसार जिले में अग्रोहा, राखी कड़ी, बनावली, कुनाल और भिंडराना, जो कि अब फतेहाबाद में है, इन स्थानों की खुदाई के दौरान पहली बार मानव सभ्यता के अवशेष मिले, जिनके अध्ययन से हड़प्पा संस्कृति से लेकर के कई प्राचीन काल के इतिहास के बारे में यहां से जानकारी मिली। हिसार किले में स्थापित सम्राट अशोक के शासनकाल के समय में स्तंभ 234 AD, जो कि वास्तव में अग्रोहा से लाकर यहां स्थापित किया गया था। हिसार ए फिरोजा की नींव, जिससे पहले यहां पर दो गांव बड़ा लारस और छोटा लारस हुआ करते थे। बड़े लारस में 50 खरक चारागाह होती थी और छोटे लारस में 40। इसी कारण बड़े लारस की नज़दीक का क्षेत्रफल फिरोज शाह को पसंद आया, जहां उसने किले का निर्माण अपने देखरेख में करवाया। इसके निर्माण में 2 से 2.5 साल लगे थे। इस क्षेत्र में शेरों, चीतों एवं दूसरे जंगली पशुओं की भरमार हुआ करती थी। इतना ही नहीं, ये भारत की सर्वोत्तम शिकारगाह भी मानी जाती थी। इसके अलावा यहाँ पर बतखाना और कई बागे बगीचे हुआ करते थे। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को हिसार से इतना लगाव था कि वह इसे इस्लामिक धार्मिक शहर बनाना चाहता था। सुल्तान एक बहुत अच्छा वास्तुकार भी था। हिसार किले का निर्माण वास्तव में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अपनी देखरेख में करवाया था। किले की चारदीवारी का निर्माण नरसई की पहाड़ियों से पत्थर लाकर करवाया गया। चारदीवारी के साथ चारों तरफ एक नाला भी खोदा गया, जिसमें हर समय पानी भरा रहता था। किले के अंदर पानी का एक छोटा सा टैंक भी बनाया गया, जिसके पानी का प्रयोग करने के बाद यह पानी किले की बाहरी दीवारों में चला जाता था। किले के अंदर फिरोज शाह ने एक मस्जिद का निर्माण भी करवाया था, जिसे लाटे मस्जिद के नाम से जाना जाता है। वही मस्जिद के साथ दीवाने आम है। इसी परिसर में हमाम यानी सरोवर भी बनाए गए। यहाँ पर प्रसिद्ध गुजरी महल जी किले के बीचों बीच है। सेवा के लिए किले में मोर्चा और इमारतें बनी हुई हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सन 1809 में यहाँ पर केटल फार्म की स्थापना की थी, जिसकी ख्याति प्रदेश भर में राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मानी जाती है, जो आगे चलकर पूरे विश्व में विख्यात हुआ। यहाँ पर स्थापित पशुपालन की विधिवत संस्थानों के कारण नगर आज भी विश्व भर में पशुधन के सबसे बड़े केंद्र के रूप में माना जाता है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में हिसार हांसी निवासियों ने, विशेषकर ग्रामीणों का योगदान भी वीर स्मरणीय रहा है। हिसार भारत का एक पहला ऐसा नगर है जहां पर देशभक्तों ने दिन दहाड़े भरी कचहरी में यहां के डिप्टी कलेक्टर बेडरन बर्न को कोर्ट रूम में गोली मारकर हत्या के साथ जन क्रांति का बिगुल बजा दिया था, जिसके पश्चात समस्त जनमानस में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक मोर्चा खोल दिया था। यहां के ग्रामीणों ने अपने परंपरागत हथियारों जेली, बरसी, भाला, तलवार और कोलाहड़ी तथा गंडासी आदि छोटे छोटे हथियारों से ब्रिटिश सैनिकों के विरुद्ध एक लड़ाई छड़ी थी, और यही कारण रहा था कि इन्हें अंग्रेजों की यातनाओं और बर्बरता का शिकार भी होना पड़ा।
19 अगस्त 1857 के दिन हिसार किले में नगोरी गेट, जिसकी लड़ाई में यहां पर मंगाली, रोहनाथ, मुट्ठी मंगल खां, जमालपुर, हाजपुर, बलियाली, भाटला इत्यादि गांव में सैकड़ों देशभक्त शहीद हो गए थे, जिसके बाद 260 वीर घायल भी हुए। यह एक बेमिसाल शहादत थी, और जो बच गए थे उन्हें गांव के वृक्षों पर फांसी पर लटका दिया गया था। सैकड़ों लोगों ने काले पानी की सजा दे करके अंडमान निकोबार भी भेजा गया था। यहां तक कि हांसी की एक सड़क शहीदों के खून से लाल हो गई थी। आज भी उसे लाल सड़क के नाम से जाना जाता है। इतना ही नहीं, अंग्रेजी सेना ने तोपों के साथ मुट्ठी मंगल खां व गांव रोहनाथ पर हमला कर दिया था। तोपें लगाकर गांव को उड़ा दिया था, जिसमें सैकड़ों क्रांतिकारी ग्रामीण भी शहीद हुए। मुट्ठी मंगल खां के मुखिया मंगल खां को फांसी दे दी गई, जिसके बाद अंग्रेजों की बर्बरता यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने रोहनाथ, मंगाली, जमालपुर, आजमपुर, मुट्ठी मंगल खां के गांव को नीलाम कर दिया। इन गांवों में किसानों से उन्हीं की जमीन छीनकर मालिकाना हक से बेदखल कर दिया गया। रोहनाथ गांव के क्रांतिकारी स्वामी बिरडदास बैरागी को तोप के मुंह पर बांध करके उड़ा दिया गया था। इसी गांव के एक जाट रूपा खाती और अन्य लोगों को भी हांसी सड़क में लेटा करके गिरडी फिरवा दी गई थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए प्रत्येक आंदोलन में यहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इन लोगों ने अपने देश भारत को आज़ाद करवाने के लिए एक लंबे और कड़े संघर्ष से दिल दहलाने वाली यातनाएं भी झेली। यहाँ पर पंजाब के श्री लाला लाजपत राय ने सन 1886 से 1892 तक हिसार को अपनी कर्मभूमि बनाया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देश की महान विभूतियां जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित मदन मोहन मालवीय तथा श्रीमती सरोजना नायडू ने भी इस ऐतिहासिक नगर में आकर के अपनी जनसभाओं को संबोधित किया। निसंदेह यहाँ के लोग आज भी राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा में निमित न केवल कटिबद्ध हैं, बल्कि वचनबद्धता के साथ सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। यहाँ के अनेक जांबाजों ने राष्ट्रीय सेवा, सहयोग, सामर्थ्य, शक्ति और शौर्य एवं बलिदान का अनूठा इतिहास रचा है। हिसार के वीरों ने आज़ादी से पूर्व, आज़ादी के समय और आज़ादी के बाद भी देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान भी दिए। स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में हिसारवासियों के समर्थन और त्याग को कभी नहीं भुलाया जा सकता। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस नगर में स्थापित हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने देश में हरित क्रांति लाने के लिए अपना विशेष योगदान दिया। राजनीतिक हलकों में हिसार का रुतबा अन्य जिलों के मुकाबले भी अच्छा है। आज के दिन यह नगर उत्तर भारत के प्रमुख नगरों में से एक माना जाता है। इसे मैग्नेट सिटी के नाम से भी जाना जाने लगा है। वर्तमान में हिसार नगर औद्योगिक क्षेत्र में उत्तरी भारत के स्टील सिटी के नाम से भी विख्यात है। यहाँ पर हरियाणा संस्कृति, सभ्यता, सोच, शिक्षा और स्वस्थ तथा सामूहिक सद्भावना का समन्वय, आपसी भाईचारा परिलक्षित होता है। हालांकि इस नगर की जलवायु शुष्क है। यहाँ का तापमान गर्मियों में 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। एक बार फिर से हम इस ऐतिहासिक नगर के बारे में कहेंगे, शाही दुर्ग फिरोज का, जिसे कहते हिसार है। कल तक जो था मरुस्थल, आज हरियाणा का श्रृंगार है। आप देखें हमारी ये खास रिपोर्ट इतिहास का झरोका।